हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना। आज हम बात करेंगे बजट 2020 के बारे में। अभी रिसेंटली बजट आया है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूंगा क्या क्या हुआ उसके अंदर और क्या क्या डिस्कस हुआ। तो हमारा देश बहुत ज़्यादा क्राइसिस के अंदर चल रहा है, हमारी जीडीपी बहुत ज़्यादा लो के अंदर चल रही है। और जब बजट आ रहा था, सबके सब एक्सपेक्ट करके बैठे थे कि भाई कोई पिक्चर की तरह कुछ सब कुछ बदल जाएगा, एकदम ऐसी पॉलिसीज आएगी रातों रात बदल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पर मेरे हिसाब से एक डिसेंट बजट था, इतना बेकार नहीं था जितना लोग कह रहे हैं, क्योंकि सबके सब एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रख के बैठे थे। अगर आप एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रखोगे तो आपको शायद उतना ज़्यादा आउटपुट ना मिल पाए। सबसे पहली चीज़, कॉर्पोरेट टैक्स 15% कर दिया अगर कोई कंपनी नई शुरू करता है, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नई शुरू करता है तो, और जो पुरानी कंपनियाँ हैं उनके लिए 22% कर दिया। तो बेसिकली टैक्स के अंदर राहत मिली है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी उनको। सबसे ज्यादा दिक्कत अगर मैं कहूंगा तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उनमें से एक था। इनकम टैक्स स्लैब को ऐसा कहा गया कि हमने इनकम टैक्स स्लैब को इजी कर दिया है, पर देखा जाए तो नंबर ऑफ स्लैब्स बढ़ गई है। और ऐसा आपको अगर फर्स्ट टाइम लुक के अंदर देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप शायद टैक्स ज़्यादा सेव करोगे नई स्लैब के हिसाब से, पर गवर्नमेंट ने आपके पास ऑप्शनल रखा है, आप पुरानी स्लैब को भी ले सकते हो और नई स्लैब को भी ले जा सकते हो। और ऐसा कहा जा रहा है कि भाई नई वाली जो स्लैब है वो फ्यूचर बता रही है कि फ्यूचर गवर्नमेंट डायरेक्शन क्या सोच रही है, नई स्लैब के अंदर है क्या। बेसिकली जो टैक्स की स्लैब है वो मैं आपको दिखा देता हूँ टैक्स कैसे रहने वाला है। और यहाँ पे कैच है, अगर आप नई स्लैब लेते हो तो आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेंगे, तो जो सेविंग वेविंग होती है वो सब नहीं रहेगी। और साथ में कुछ टैक्स डिडक्शन थे, उसमें से बहुत सारे टैक्स डिडक्शन हटा दिए गए हैं, वो सारी के सारी चीज़ें आप पे अप्लाई होगी। अगर आप चाहते हो उन चीज़ों को अप्लाई करना तो आप नए वाला ले सकते हो, वरना ऑप्शनल है, पीछे वाला भी ले सकते हो। बाकी जब बिल प्रॉपर तरीके से खुल के आएगी कवर, तब पता लगेगा कौन सा बेटर है कौन सा नहीं है। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ने अपना फ्यूचर दिखा दिया है कि भाई फ्यूचर में हम इसी डायरेक्शन में जाने वाले हैं, अभी ऑप्शनल रखा है, बाद में इस चीज़ को हटा देंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि क्लीन रखेंगे, क्योंकि इनका ऐसा कहना था, मैंने बजट की रिपोर्ट देखी, उनका सुना क्या बोल रहे थे, उनका कहना था कि भाई जो भी बंदा टैक्स भरता है उसको सीए अकाउंटेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती है, हम चाहते हैं इसको एकदम सिंपलर बना दे। एकदम सिंपलर बनाने का मतलब जो टैक्स डिडक्शन है उन सबको एकदम सिंपलर बना दे ताकि बंदे को कंफ्यूजन ना हो और वो सीधा टैक्स पे कर पाए। इससे एक और चीज लग रही है मुझे, गवर्नमेंट क्या चाह रही है, गवर्नमेंट चाह रही है आप ज्यादा स्पेंड करो, ज्यादा सेव ना करो। अगर आप ज्यादा स्पेंड करोगे तो हमारी इकोनॉमी रिवाइव हो सकती है, स्पेंडिंग ही तो प्रॉब्लम आ रही है ना, ये जितनी भी रिसेशन आ रहा है इसका मतलब क्या है, आप स्पेंड नहीं कर रहे, आप पैसा इकट्ठा करके बैठे हुए अपने बैंक के अंदर, आपके बैंक के अंदर पैसा पड़ा है वो पैसा मार्केट में नहीं आ रहा। आप कुछ चीज़ खरीदोगे नहीं तो उस प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट नहीं होगी, उस प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट नहीं होगी तो वो इंडस्ट्री नहीं चलेगी, वो इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो वो लॉस में रहेगी, लॉस में रहेगी तो अपने एम्प्लॉयज़ को निकालेगी, अपने एम्प्लॉयज़ को निकालेगी तो भाई उनके पास भी पैसा नहीं रहेगा, उनके पास पैसा नहीं रहेगा तो और प्रोडक्ट्स नहीं लेंगे और ये चेन चलती रहेगी। और अगर आप खर्चा करना शुरू कर दोगे तो ये चेन रिवर्स में शुरू हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ने अच्छी कोशिश करी है मेरे हिसाब से, यहाँ पे एक छोटा सा एडेड बेनिफिट मांग के चलूंगा। अब कई लोग कहेंगे भाई ऑटो के बारे में बात ही नहीं करी, ऑटो सेक्टर जो सबसे बुरा चल रहा था उसके बारे में बात नहीं करी, पर यहाँ पे बात करी गई है इंफ्रा के बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पैसा लगाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा इंफ्रा के अंदर काम किया जाएगा, इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा अलग अलग जगहों के अंदर, कुछ हाईवेज के ऊपर काम होगा, साथ के साथ कहीं पर रेल का काम होगा, बहुत सारी चीज़ें होने वाली इंफ्रा पे। पर देखा जाए इंफ्रा एक तरह से डिराइव डिमांड क्रिएट करने वाला है ऑटो सेक्टर की, मैं B2B की बात कर चलता हूँ, हम जैसे लोग शायद गाड़ी ना ले पर अगर इंफ्रा की जरूरत पड़ेगी तो ट्रक बिकेगी, ऑटो सेक्टर वहां से रिवाइव हो सकता है इनडायरेक्टली। बाकी जब होगा तो प्रैक्टिकली पता लगेगा ये चीज़ें हो रही है या फिर नहीं हो रही। ये चीज़ मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ, मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। नॉमिनल जीडीपी 10% तक रहेगी और फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया 3.8% तक। अब मेरे हिसाब से फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चा कर रही है। अब बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, मैंने बहुत जगह पर रिसर्च करी तो उनका ऐसा कहना था कि गवर्नमेंट को फिस्कल डेफिसिट और बढ़ाना चाहिए था और अपनी स्पेंडिंग्स को और बढ़ाना चाहिए था। बेसिकली बजट तो अच्छा है, ये मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू है, बजट तो अच्छा है पर बजट के अंदर उस लेवल की स्पेंडिंग नहीं हुई जितनी हो सकती थी। एजुकेशन की बात करके चलूँ, मुझे जो पर्सनली लगता है एजुकेशन क्या है, एक नेसेसिटी है। आपने एजुकेशन का बजट 1,00,000 करोड़ तक कर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया, पर क्या उससे एकदम इमीडिएट रिजल्ट आने वाले हैं, शायद नहीं। आपका जो बजट आया है बहुत अच्छा है,
पर ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा है। आपने एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया, आपने स्किल इंडिया के अंदर फंड किया, आप ऑनलाइन डिग्रीज लेके आ रहे हो जहां पे अंडर प्रिविलेज बंदों को हेल्प होने वाली है, वो चीजें अच्छी है। पर क्या बंदा एकदम झटके में एक ही घंटे में स्किल सीख के काम करने लग जाएगा? क्या उसको सब कुछ आ जाएगा? नहीं ना। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म रिफॉर्म कुछ नहीं किया गया, लॉन्ग टर्म या फिर मीडियम टर्म किया गया है। शॉर्ट टर्म में ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, जितना मुझे समझ में आता है बिजनेस, मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। बाकी अगर आपको कुछ और लगता है कि मेरी बात गलत है तो नीचे कमेंट में आप शेयर कर सकते हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमी के अंदर करंट, वो है लिक्विडिटी, जो मैं पहले बता रहा हूं कि पैसा नहीं निकाल रहे हैं लोग, बैंक में रख के बैठे हुए हैं। वो पैसा अगर बाहर मार्केट में निकलेगा, लिक्विड होगा, तभी जाके सारी की सारी चीजें खुलेगी। तो लिक्विड करने का, आपके पास बैंक में पैसा पड़ा है, कुछ नहीं हो रहा उस पैसे का, उस पैसे को करो इन्वेस्ट। इन्वेस्ट करोगे तो एक तरह से आप भी हमारे देश की ग्रोथ के अंदर हेल्प कर सकते हो, आपकी भी ग्रोथ होने वाली है। जो बैंक के अंदर पैसा मिलना है आपको, वो पैसा ज्यादा तेजी से एक्सपेंड नहीं करेगा, पर आप उसको शेयर मार्केट में लगाओगे तो लॉन्ग टर्म रिफॉर्म अच्छे है, तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा गेन हो सकता है। तो मेरे हिसाब से इन्वेस्ट करो। मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ टाइम पहले, जहां पे मैंने बताया था आपको कि भाई अपस्टॉक एक कंपनी है, वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अपस्टॉक पे अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो बेसिकली दो टाइप के ब्रोकर्स होते हैं, एक होता है डिस्काउंटेड और एक होता है फुल सर्विस। फुल सर्विस का मतलब क्या हुआ, बड़े बड़े बैंक्स होते हैं वो। अब वहां पे क्या होता है, जब आप शेयर्स खरीदते हो तो आपको ब्रोकरेज देनी पड़ती है। ब्रोकरेज मतलब आपको एक तरह से कमीशन देनी पड़ती है, क्योंकि वो आपको सर्विस प्रोवाइड करके दे रहे हैं। जो डिस्काउंटेड ब्रोकर्स होते हैं वो आपसे ये सर्विस नहीं देते आपको सारी की सारी, जिसके चक्कर में डिस्काउंटेड ब्रोकरेज लेते हैं। मेरे हिसाब से डिस्काउंटेड ब्रोकर ज्यादा अच्छी चीज है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे अगर क्लिक करोगे तो आपको कुछ बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो वहां पे क्या होगा, अगर आप सेट वहां पे रजिस्टर करते हो तो चार पांच मिनट के अंदर रजिस्टर हो जाएगा, फ्री है, कोई पैसे नहीं लग रहे आपके। जाके एक्सप्लोर करो। स्टार्टिंग में अगर आप लॉगिन करते हो तो आपको कुछ 28,000 के बेनिफिट फ्री मिल रहे हैं, और उस 28,000 के बेनिफिट के अंदर क्या हो रहा है, फुल सर्विस ब्रोकर का जो एडवांटेज थी, एडवाइस देते थे आपको कौन सा लेना चाहिए, कोई नहीं लेना चाहिए, ये आपको 28,000 रुपए की एडवाइसरी सर्विस फ्री दे रहे हैं, अगर आप नीचे लिंक पे क्लिक करते हो तो। तो अगर आपको ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, आपके पास थोड़े से फंड है, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। और इनसे मेरी बात भी हुई थी कि फ्यूचर के अंदर ये इंटरनेशनल वाला भी ऑप्शन लाने वाले हैं, क्योंकि कई बार ना मेरे पास नीचे कमेंट आती है कि सर मुझे टेस्ला में इन्वेस्ट करना है, मुझे गूगल में इन्वेस्ट करना है, तो ये भी लाने वाले हैं अपने अंदर सर्विस। तो अभी जाके रजिस्टर कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगली क्या प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से, वो है एमएसएमई, मतलब जो छोटे छोटे बिजनेस है। बेसिकली क्या हो रहा है, वो बेचारों के मार्केट में डिमांड नहीं है, क्योंकि आप पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं हो। अब मार्केट में अगर डिमांड नहीं होगी तो बेचारों के पास ज्यादा सेल नहीं होगी, पर खर्चे तो हो रहे हैं, और उनको बिजनेस रन करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा कहां से लेंगे, बैंक से लेंगे, बैंक से पैसा लेने के लिए जा रहे हैं, बैंक पैसा नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि उनके एनपीए आ रहे हैं। एनपीए क्या है, डिफॉल्टर बहुत सारे हो गए मार्केट के अंदर, क्योंकि उनकी भी डिमांड नहीं क्रिएट हुई थी, उनका बिजनेस लॉस में चला गया था, वो चुका नहीं पाए, उन्होंने बैंक को कहा भाई मेरे पास पैसा नहीं है। तो इस चक्कर में बैंक भी डर रहे हैं पैसा देने से। अब गवर्नमेंट ने एक एमएसएमई के ऊपर इन्होंने रिफॉर्म लेके आया कि हम एमएसएमई को ज्यादा लोन देंगे। इस बार कुछ उन्होंने फंड्स को अलॉट किया है कि एमएसएमई को इतना फंड एक्स्ट्रा मिलेगा, पर मुद्दे की बात तो रहेगी डिमांड कैसे क्रिएट होगी, उस चीज के ऊपर एक्ट नहीं किया गया। यहाँ पे स्टार्टअप्स को भी फायदा हुआ है। अगर आपकी स्टार्टअप है और आपका टर्नओवर 25 करोड़ तक का है, और अगर आप इसके अंदर रजिस्टर हो जाते हो तो आपको 100% कॉर्पोरेट टैक्स में रियायत मिलने वाली है आपके प्रॉफिट के ऊपर, मतलब आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। पर ऐसा देखा गया कि स्टार्टिंग के अंदर जब स्टार्टअप शुरू होती है तो उनके पास प्रॉफिट नहीं होता, तो इन्होंने लिमिट लगा रखी थी पहले 1 साल से 7 साल के बीच में, कोई भी आप 3 साल चुन सकते थे, पर इन्होंने प्रपोज किया है कि अब इसको हम 10 साल तक खींच देंगे, और जो 25 करोड़ की लिमिट है वो 100 करोड़ तक निकल जाएगी, जो कि बहुत अच्छी चीज है। अगली एक अच्छी चीज क्या लगी, गवर्नमेंट डिसइन्वेस्ट कर रही है। डिसइन्वेस्ट का मतलब क्या हुआ, अब भाई पैसा कहां से आएगा, सीधी सी बात है ना, डेफिसिट थोड़ा ना बढ़ाते जाएंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, जितने भी इनकी खुद की ओन चीजें हैं, जहां पे है, यहां से पैसा निकाल रहे हैं। तो इनका ऐसा कहना है कि जो बड़ी बड़ी हमारी कंपनीज है, जैसे एलआईसी के कुछ शेयर्स को ये पब्लिक लिस्टिंग करेंगे, मतलब शेयर मार्केट में लेके आएंगे, और कुछ प्राइवेट सेक्टर के साथ जोड़ेंगे, बट इंस्टीट्यूशनल के साथ जोड़ेंगे। साथ के साथ आपने सुना ही होगा एयर इंडिया को बेचने के मूड में है। ऐसे ये सारी की सारी चीज़ों को बार बार निकाल निकाल के वहाँ से पैसा रेज करेंगे, और वही हमारे देश के अंदर री इन्वेस्ट करेंगे। तो ये चीज़
अच्छी चीज है मेरे हिसाब से। बाकी अगेन मैं बोल रहा हूं, मैं इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा नहीं हूं, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इकोनॉमी की, मुझे जितना बिजनेस समझ में आता है मैं उसके हिसाब से अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूं। अगर आपके कुछ अच्छे प्रवचन हो और अच्छे सजेशन हो आप नीचे कमेंट के अंदर बता सकते हो। 27,300 करोड़ रुपए गवर्नमेंट खर्च करेगी प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के अंदर। 2.83 लाख करोड़ रुपीज खर्च करेगी एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन के अंदर, जो कि बहुत अच्छी चीज है। और साथ के साथ गवर्नमेंट ने ऐसे कहा है कि जो फार्मर्स है उनके पैसे हम डबल कर देंगे जितनी भी उनकी इनकम है 2020 तक। तो अगर ऐसा होता है तो बहुत ही अच्छा होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि भाई मेरे हिसाब से ये जो बजट आया है रूरल इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं। 69,000 करोड़ रुपीज जन आरोग्य योजना के लिए करे गए हैं, जो कि हेल्थ एंड वेलनेस प्रोटेक्शन सर्विस के अंदर है। बेसिकली आपको हेल्थ अच्छी प्रोवाइड करी जाएगी और आपको लाइफ प्रोटेक्शन दी जाएगी अगर आपको कुछ हो जाता तो उसके लिए। गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि भाई हम टीयर टू और टीयर थ्री सिटीज के अंदर भी हॉस्पिटल खोलेंगे। अगेन ये रूरल इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, मतलब जहां पे हॉस्पिटल्स नहीं है वहां पे भी हॉस्पिटल अवेलेबल कराएंगे। स्वच्छ भारत के अंदर 12,300 करोड़ रुपए फंड करेंगे। 3,60,000 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के अंदर करेंगे, जो कि अगेन बहुत अच्छी चीज है। जल जीवन मिशन मतलब आपके घर में पाइप्ड वाटर आएगा। बहुत लोग कहेंगे मेरे घर में तो आता है, भाई उन लोगों के घर में जिनके नहीं आता उनके लिए बहुत बेनिफिट है। अगेन रूरल इंडिया के लिए स्कीम बहुत अच्छी रहने वाली है। 1,480 करोड़ रुपीज नेशनल टेक्सटाइल मिशन के अंदर लगाएंगे, जहां पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए हम काम करेंगे। 8,000 करोड़ रुपए क्वांटम टेक के अंदर खर्च करा जाएगा आने वाले 5 साल के अंदर, जो कि अगेन मैं कह रहा हूं बहुत कम है। क्वांटम टेक्नोलॉजी फ्यूचर है और आप 8,000 करोड़ रुपए ही खर्च कर रहे हो R&D के अंदर, और अगर आप पहले से ही ज्यादा पैसा खर्च करके एक अच्छा अपना टेक बना लेते हो तो शायद आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। मेरे हिसाब से पैसा इसके अंदर भी कम है। 6,000 करोड़ रुपए भारत नेट प्रोग्राम के अंदर लगा रहे हैं। 85,000 करोड़ रुपीज वेलफेयर ऑफ SC and OBC के अंदर लगाया जा रहा है। अगेन ये चीज अच्छी है अगर ये पैसा उन लोगों के पास जाता है जिनको सही में जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि SC and OBC है और उनको जरूरत नहीं होती, उनको फिर भी फंड मिलते हैं, उनको फिर भी लेवरेज मिलती है, उनको सब कुछ मिलता है, तो वहां पे मेरे हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू गलत हो सकता है अगर उन तक पहुंचता है तो। साथ में इनका कहना है कि हमने 550 वाईफाई लगा दी है रेलवे स्टेशन के अंदर, जो कि अगेन अच्छा है। अब ये था मेरा एनालिसिस पूरे बजट का। अगर आपको कुछ और लगता है तो नीचे कमेंट के अंदर शेयर कर सकते हो, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर दिया। हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है मैं सही हूं, नीचे कमेंट के अंदर डिस्कस करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो में मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।